सो टुडे आई एम हियर एट अ वेरी स्पेशल प्लेस। वो रहा पाकिस्तान का झंडा और ये रहा एमजी का लोगो, और ये नहीं मेड इन पाकिस्तान एमजी कार्स ऑन द प्रोडक्शन लाइन। एंड दिस वाज वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू विजिट। एंड गेस हु इज गिविंग मी द टूर टुडे इज आवर ओन वेरी एंटरप्रेन्योर फॉर एक्सलेंस मिस्टर जावेद अफरीदी। 100 कार्स अ डे, दैट्स द प्रोडक्शन लाइन मेड इन पाकिस्तान एमजीज। बस कुछ वजूहात की वजह से देर थी, मगर इंशाल्लाह जल्द पूरी कौम को बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खबर मिलेगी। राइट जी, सो मैं जो हूं आज इस बड़ी ही खास जगह पे आया हूं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड, क्योंकि ये है एमजी का प्लांट जहां पे एमजी की गाड़ियां पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। दिस इज व्हाट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर। And here we are today. So happy to see this. ये सारी production line है दूर दूर तक, gigantic place. पूरी production line तैयार है। You can see there. Wow. Yep. MGs made in Pakistan. तो बहुत सारे लोग जो थे वो समझ रहे थे कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये तो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं, लेकिन एक चीज हमसे जो पाकिस्तान में एमजी वालों ने वादा किया था कि वील हैव आर ओन मेड इन पाकिस्तान कार। सो हियर्स द प्रोडक्शन लाइन, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड हैप्पी एज अ पाकिस्तानी टू सी दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट। और इसकी जो सबसे अच्छी बात होगी वो ये होगी कि जिस दिन ये गाड़ियां पाकिस्तान से बैनुल अक्वामी एक्सपोर्ट हो सकेंगी। और इंटरेस्टिंगली मुझे एक अंदर की बात पता चली है, और वो ये है कि देर आर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। बस अब कुछ सरकारी कार्रवाई की देर है, जो ही वो पूरी होगी तो एमजी इज प्राउडली मेड इन पाकिस्तान विल बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड। और दोस्तों ये है मेड इन पाकिस्तान ब्रांड न्यू एमजीज जो यहां असेंबल हुई हैं पाकिस्तान में लाहौर में। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि प्रोडक्शन लाइन जो है बड़ी जबरदस्त है, आपको अंदर मैंने इसके वीडियोस दिखाए हैं, बट इट जस्ट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी कि ये यहां पर तैयार हो रही हैं गाड़ियां हमारे अपने मुल्क में। और एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं, ये पेड कॉन्टेंट नहीं है, ये मेरे अपने दिल से हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि गाड़ी जो भी हो, द फैक्ट के हम पाकिस्तान में ये सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सी इसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और अगर ये एक्सपोर्ट होंगी तो बहुत सा ज़र्रा मुबादला आएगा पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। सो आई एम ट्रूली हैप्पी, बिकॉज आप लोगों को याद हो कि मैंने एक दफा रिव्यू की थी एक मेड इन पाकिस्तान एमजी, मैंने अपने दोस्त जावेद अफरीदी से रिक्वेस्ट की थी कि वो भेजें, मैं चेक करना चाह रहा था। तो इसी असेंबली लाइन की इसी जगह की बनी हुई गाड़ी मुझे भेजी गई थी, एंड आई लव द ड्राइव, आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। आई विश देम ऑल द सक्सेस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई विश पाकिस्तान ऑल द सक्सेस। तो दोस्तों यहां से कहानी शुरू होती है। ये जो फैसिलिटी आपको नजर आ रही है, ये सारे पार्ट्स हैं गाड़ियों के। अगर आप ये गौर से देखें तो ये इंजन ब्लॉक्स रखे हुए, इंजन हैं पूरे, गाड़ियों की बॉडीज हैं, उनके बाकी पार्ट्स, दरवाजे, डोर्स। और ये वेयर हाउस इतना बड़ा है कि मैं इसमें मतलब 2-4 घंटे चल सकता हूं। इट्स जस्ट फिनोमिनल। 7.5 लाख स्क्वायर फुट का ये वेयर हाउस है, और ये सिर्फ और सिर्फ एमजी के पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे जाते हैं, जो पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उस पर, और फिर ये पाकिस्तान में हमारी अपनी एमजी बनती है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये वैल्यू एडिशन है, जब ये गाड़ी बन जाती है तो ये गाड़ियां इंशाल्लाह, मैं बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा हूं, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होंगी एक दिन। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड जॉब एमजी, गुड जॉब जावेद अफरीदी एंड कंपनी।